सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ टाटा सफारी का एक्सजेड प्लस वेरिएंट, जो कि ऑटोमेटिक है, एक्सजेड ए प्लस। तो एक्सजेड ए प्लस है और ये रॉयल ब्लू कलर में अपने सामने मौजूद है। तो ये कुछ सफारी की फ्रंट प्रोफाइल हो गई, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे इसकी ग्रिल आती है जो कि क्रोम में दी गई है। अगर फ्रंट प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो हैरियर और सफारी की जो फ्रंट प्रोफाइल है दोनों बिल्कुल सेम देखने को लगती है, पर यहाँ पे जो उसका जो था ब्लैक पियानो फिनिश था और यहाँ पे इसके क्रोम्स दिए गए हैं। क्रोम्स और ये डिज़ाइन मेरे को पता नहीं। और ये एयर आपका एयर वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे पूरा, मतलब इसके अंदर आपकी हाथ भी आराम से चल जाएगी ऐसा दिया गया। यहाँ पे आपका टाटा का लोगो हो गया और ये पूरी क्रोम जो है, क्रोम की जो लाइन है वो यहाँ से लेके पूरी आपकी वो साइड कार की कवर की गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ विद इंडिकेटर विद DRLs दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये साइड भी आपका सेम वही सेटअप है, इंडिकेटर्स विद DRL दी गई है। और अगर मैं इसके हेडलाइट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हेडलाइट्स इसके ऐसे देखने को मिलते हैं। ये आपका LED प्रोजेक्टर लैम्प्स हो गया, ये आपकी हैलोजन होगी, फुल हैरियर का ही जो सेम था हैरियर सेम वही है, इसमें भी वही दी गई। और ये आपकी फॉग लैम्प हो गई जो कि हैलोजन है। और सेम साइड आपकी हेडलाइट्स, ये साइड भी वही कलर हो गई आपकी। यहाँ पे इसका LED प्रोजेक्टर लैम्प्स हो गए और ये आपकी हैलोजन हो गई और ये आपका फॉग लैम्प हो गया जो कि हैलोजन है। तो देख सकते हैं सफारी कुछ ऐसे दिखती है। और ये कुछ इसका ब्लैक पार्ट बम्पर का हो गया, ब्लैक एंड ग्रे। तो फ्रंट लुक की अगर बात करूँ मैं तो ऐसे कुछ सफारी फ्रंट लुक से दिखती है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर मैं इसकी साइड लुक की बात करूँ तो साइड से कुछ ऐसे दिखती है सफारी अपनी। लेंथ की बात करूँ तो इसमें 4661 mm का लेंथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है पूरी फ्रेम में भी। कार अब आई पूरी फ्रेम में, कार काफ़ी लंबी है। अगर मैं इसके विड्थ की बात करूँ तो 1894 mm का विड्थ आपको देखने को मिलता है। और इसकी हाइट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी हाइट 1786 mm की हाइट आपको देखने को मिलती है। तो अगर अभी मैं आपको इसका व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 2741 mm का आपको इसमें व्हील बेस देखने को मिलता है। पर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसमें 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को देखने मिलता है, जो कि टाटा सफारी एक SUV है तो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस वो काफ़ी अच्छा इसमें दिया गया है। और टायर जैसा कि मैंने आपको बताया 18 inches के इसमें अलॉयज आपको देखने को मिलते हैं। ब्रिजस्टोन का टायर है, R18 की प्रोफाइल है, 235 इसकी वेट है। तो अभी मैं गाड़ी के अगर इंजन स्पेसिफिकेशन में बात करूँ तो इसमें सेम वही हैरियर वाला 2000 cc का इंजन आता है। एक्चुअली वो 1956 cc का इसमें हैरियर वाला सेम इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि 167 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है। और अगर टॉक की बात करूँ तो इसमें 350 Nm का आपको टॉक देखने को मिलता है। ये डीजल में है और ये 7-सीटर है। और अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो इसमें 50 liters का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है। तो अगर रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है सफारी का। यहाँ पे आपको टाटा का लोगो देखने को मिलता है और ये आपकी सफारी की यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे आपका नंबर प्लेट आ जाएगा, ये आपका कैमरा की प्लेसमेंट हो गई। और अगर मैं इसके टेल लाइट की बात करूँ तो इसके टेल लाइट कुछ ऐसी LED टेल लाइट्स आपको हो गए, हैलोजन इंडिकेटर, नॉर्मल इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलता है। और ये इसकी बैक लाइट हो गई। तो अगर सेम साइड आपको वो साइड भी सेम वही सेटअप देखने को मिलता है, LED टेल लाइट हो गए आपके इसके, ये आपका इंडिकेटर हो गया और ये आपकी बैक लाइट हो गई। तो ये रॉयल ब्लू कलर में है और इसका बम्पर हो गया ब्लैक में। अगर पार्किंग सेंसर्स की बात करूँ इसमें 2 पार्किंग सेंसर्स आप लोगों को देखने को मिलता है, एक ये साइड और एक ये साइड। और ये इसका कुछ ऐसा बम्पर हो गया, आप लोग देख सकते हैं बम्पर में एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन दिया गया वो 2 एग्जॉस्ट का डिज़ाइन गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं, इसमें एक ही एग्जॉस्ट है। और ये आपका रियर प्रोफाइल हो गया, यहाँ पे आपका डिफॉगर हो गया और यहाँ पे लोकल फॉर वोकल की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। और ये आपका रियर वाइपर हो गया। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और मैं आपको इस कार के हैरियर का सफारी के इंटीरियर्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। ये इसका रिक्वेस्ट सेंसर हो गया आपका, कीलेस एंट्री वाली कार है सफारी की। और ये आपके कुछ ऐसे इसके वर्बियम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वर्बियम्स में आपको इंडिकेटर दिए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। पियानो फिनिश में आपका इसका वर्बियम्स हो गए। और मैं भी आपको कार के अंदर लेकर चलता हूँ, कुछ ऐसा इंटीरियर दिखता है सफारी का। अगर डोर हैंडल्स की बात करूँ तो ये ऐसे इसके कुछ डोर हैंडल्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपके स्पीकर की प्लेसमेंट हो गई और ये आपका यहाँ पे इसका पूरा सॉफ्ट टच हो गया। यहाँ पे इसके पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हो गए, चारों पावर विंडोज़ को लॉक अनलॉक हो गया। ये आपके क्रोम डोर हैंडल्स हो गए लॉक अनलॉक के लिए। और ये आपका फाइबर जो है, ये जो फैब्रिक है वो काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक यहाँ पर दिया गया है। तो ये थी इसकी। और यहाँ पे इसके आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसके RPMs के कंट्रोल्स देखने को आपको मिलते हैं। ये आपका यहाँ से लेफ्ट राइट वगैरह सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग। और ये कुछ ऐसा इसका स्टीयरिंग दिखता है, आप लोग देख सकते हैं सफारी की स्टीयरिंग कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है, पूरी लेदर रैप की गई है स्टीयरिंग पे, तो काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग है। और यहाँ पे आप लोग को अगर मैं बोनट विजिबिलिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा इसका बोनट विजिबिलिटी है। गाड़ी काफ़ी 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, काफ़ी ऊँची कार। तो यहाँ पे आपको इसका स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम आपका अप डाउन हो गया, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट क्रूज वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्लियर लग रहा है सेम मेरे को, थोड़ा सा हैरियर की तरह मेरे को ये दिख रहा है इसका डैशबोर्ड। अगर मैं MID की बात करूँ तो उसकी भी MID सेम ऐसे ही है और इसमें भी सेम MID दी गई है। इसमें
पे 220 की आपकी स्पीड हो गई, ये साइड आपका आरपीएम वगैरह सब कुछ और ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है। ये आपके एसी वेंट्स हो गए जिसमें क्रोम की ये दी गई है, और ये आपके एसी वेंट्स हो गए, और यहाँ पे भी आपका वो हो गया, और ये साइड आपको JBL के ट्विटर्स दिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे JBL के ट्विटर्स आपको देखने को मिलते हैं, और ये साइड आपका जो डोर्स है उसमें आपको स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, आपका वो साइड भी JBL के ट्विटर्स आपको देखने को मिलते हैं। फोकस ले ले भाई, JBL के ट्विटर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ये साइड आपका JBL का स्पीकर देखने को मिलता है। तो अगर डैशबोर्ड की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी है हैरियर की, ये आपका IRBM हो गया जो कि डे नाइट IRBM है, और अगर इंफोटेनमेंट की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा इंफोटेनमेंट देखने को मिलता है, ये 9 inches का है विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले बोथ सपोर्टेड है। ये आपके इंफोटेनमेंट के वॉल्यूम वगैरह के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ये आपके सब इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको होम बटन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके ऐसे कुछ गियर नॉब्स आपको देखने को मिलते हैं, और ये आपका गियर नॉब हो गया आपका वही ऑटोमेटिक वाला रिवर्स पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड एंड एवरीथिंग, और ये आपकी पार्किंग ब्रेक हो गई जो कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ये आपका ऑटो होल्ड हो गया, और ये कुछ ऐसे ही आपकी फ्रंट की जो एसी वेंट्स है वो कुछ ऐसे दिखते हैं, दो एसी वेंट्स ये दिखते हैं, और ये कुछ ऐसे इसकी सीट्स हो गई, सीट्स काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीट्स की जो क्वालिटी है पूरी प्रीमियम सीट्स क्वालिटी दी गई, और ये इसके आपके लाइट्स वगैरह के हो गए, यहाँ पे आपका इसका LED लैंप्स देखने को मिलते हैं, और ये कुछ ऐसे इसकी सनरूफ हो गई, काफ़ी बड़ी सनरूफ इसमें भी दी गई है, सेम हैरियर ही जैसे इसमें भी सनरूफ दी गई है, और यहाँ पे आप लोग को आपका वाइजर मिल जाता है जिसमें कोई भी लाइट वगैरह मिरर वगैरह नहीं है, और ये साइड आपका मिरर विथ लाइट आपको देखने को मिलता है, ये आपका जो वाइजर हो गया वो सेट पैसेंजर सेट, और ये आपके कुछ इंटीरियर हो गए, यहाँ पे इसका पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हो गए, ये आपका क्रोम डोर हैंडल्स हो गए, और ये आपकी इंटीरियर हो गई वाइट कलर में जो कि आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको 3 cup holders देखने को मिल जाते हैं, 3 cup holders आप यहाँ पे आराम से होल्ड कर सकते हैं, ये आपका आर्मरेस्ट हो गया जिसके अंदर आपको 12 volt का सॉकेट देखने को मिलता है, और USB चार्जिंग पोर्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, और ये आपका ड्राइविंग मोड्स हो गए, ड्राइविंग मोड्स तो यहाँ पे इसके दिए गए स्पोर्ट्स मोड, और ये आपका इको मोड हो गया सेम जो हैरियर में दिया गया है, तो ऑटो एसी ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी का ये हो गया यहाँ पे, और ये इसका डिफॉगर का हो गया, बैक डिफॉगर एंड फ्रंट डिफॉगर का, ये एयर सर्कुलेशन एंड एसी वगैरह सबके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 mode देखने को, 3 mode आप लोग को देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे इसका हिल असिस्टेंट हो गया, और ये आपकी TC ट्रैक्शन कंट्रोल की हो गई, यहाँ पे आपके सब कंट्रोल्स वॉइस कमांड्स के हो गए, यहाँ पे आपके ये आपका सनरूफ के कंट्रोल्स हो गए, और ये आपके लाइट्स के कंट्रोल्स हो गए, तो सनरूफ भी काफ़ी अच्छा इसमें दिया गया, तो अभी मैं आपको इसके पीछे लेके चलता हूँ कि और क्या क्या देखने को मिलता है। तो सीट्स मैंने आपको नहीं दिखाया कि यहाँ पे जो इसके सीट्स है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलते हैं, 6 mode seats आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे इसका आगे पीछे करने का हो गया, और ये रिक्लाइन वगैरह करने का हो गया, तो यहाँ से इसके कंट्रोल्स दिए गए, और ये कार जो कि ऑटोमेटिक है, तो ये आपका इसका डेड पैडल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपका ब्रेक और एक्सलेटर हो गया। तो अभी मैं आपको इसके पीछे के साइड लेके चलता हूँ कि रियर केबिन जो है वो सफारी का कैसा दिखता है रॉयल ब्लू कलर में। तो जैसा कि कार ये 6-seater है, 6-seater कार है ये, तो यहाँ पे बीच में तो सेम आपको यहाँ पे भी JBL के ट्विटर्स देखने को मिल जाते हैं, और ये साइड आपका JBL का स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, डोर की जो आप लोग थॉटल है वो सुन सकते हैं, और यहाँ पे इसके पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, ये आपका क्रोम डोर हैंडल्स हो गए, और यहाँ पे इसके एसी वेंट्स दिए गए पिलर्स में, तो एसी वेंट्स जैसा कि हैरियर में सेम वहाँ पे दिया गया, इसमें भी वहीं पे दिया गया, तो बीच वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, बीच में कोई भी एसी वेंट्स नहीं दिया गया आपको, वो साइड डोर के साइड और एक वो डोर के साइड आपको एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं। तो पीछे जो है यहाँ पे पीछे 2 लोगों के लिए सीट्स दी गई है, तो सीट्स की क्वालिटी तो मैंने आपको बताया कि लेदर सीट्स है, काफ़ी प्रीमियम सीट्स है, और इसकी जो क्वालिटी और कंफर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है भाई, लेग सपोर्ट जो मेरे को मिल रहा है काफ़ी अच्छा मिल रहा है, ये सीट्स को आप आगे भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसका आपका लीवर दिया गया है आगे पीछे करने का, तो यहाँ से जस्ट आप इसको आगे भी कर सकते हैं, आप जैसे कि अगर पीछे कोई बैठा हो उसको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप अपने सीट्स को यहाँ से आगे पीछे दोनों कर सकते हैं आराम से। जैसे सीट्स की अगर लेग सपोर्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा लेग सपोर्ट देखने को मिल रहा है इन सीट्स में, लाइक स्पेस बहुत दिया गया है इसमें भाई, और यहाँ पे आपको USB चार्जिंग सॉकेट्स भी देखने को मिलते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 USB चार्जिंग सॉकेट्स देखने को मिलता है, ये पियानो फिनिश में इसका वीवो हो गया, और ये आपकी आर्मरेस्ट हो गई फुल लेदर फिनिश में, काफ़ी अच्छी दिख रही है, और ये कुछ रियर प्रोफाइल से सफारी का इंटीरियर कुछ ऐसा दिखता है, ये आप लोग यहाँ पे इसका सनरूफ देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी सनरूफ है, पैनारोमिक सनरूफ है। तो अभी मैं आपको थर्ड रो अगर दिखाऊं तो थर्ड रो सफारी का कैसा है, तो बूट स्पेस तो कुछ भी नहीं है क्योंकि थर्ड रो के बाद अगर थर्ड रो को आप फोल्ड कर देते तो आपको 475 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको LED लैंप्स दिए गए हैं, यहाँ पे पीछे के साइड भी आपको LED लैंप्स दिए गए हैं, पीछे के साइड अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ
पीछे के साइड जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, तो दोनों साइड आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। और ये इसकी फैन स्पीड की कंट्रोल करने की होगी, आपकी स्पीड वगैरह। और अगर पीछे की साइड्स में लेग सपोर्ट की बात करूँ तो वो सीट मैं तो आगे नहीं किया, तो मैं ये साइड बैठ के देखता हूँ कि कैसी लेग सपोर्ट है। तो लेग सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो पीछे के साइड भी थर्ड केबिन जो है, थर्ड रो का जो लेग सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब कि नॉर्मल, मतलब दो लोग आराम से पीछे आ जाएंगे, सही लेग सपोर्ट दिया गया। और ये आपका कुछ सामान वगैरह रखने के लिए यहाँ पे दिया गया, ये आपके छोटे मोटे सामान हो गए, और ये आपका सीट बेल्ट हो गया, और ये आपके LED लैंप्स पीछे के साइड दिए गए। और अगर एयरबैग्स की बात करें तो इसमें भी 6 एयरबैग्स आपको देखने को मिलता है, 1, 2, दो पिलर्स पे, दो आगे। तो 6 एयरबैग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये साइड भी आपको USB चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। 5 वोल्ट का दो है, एक टाइप सी है और एक टाइप बी दिया गया है। यहाँ पर छोटा मोटा सामान वगैरह, कप होल्डर्स वगैरह कुछ रख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपको जो प्रीमियम जो आपको हैंडल्स हो गए वो दिए गए सीट्स के पास, कि आप आराम से अपनी राइड को इन्जॉय करें। दोनों सीट्स पे आपको दिए गए, तो यहाँ से आप लोग आराम से थर्ड रो में जा सकते हैं। तो थर्ड रो भी काफ़ी अच्छा था सफारी का। तो ये थी भाइयों टाटा सफारी XZA+ डीजल वेरियंट ऑटोमेटिक 2000cc, जो कि हैरियर और सफारी में सेम इंजन दिया गया। आप लोग देख सकते हैं सामने ये हैरियर है, ये अपनी सफारी है, सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ इसमें दो सीट पीछे ऐड कर दी गई और कुछ नहीं है। सनरूफ भी सेम दिया गया, इंजन भी सेम है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।